तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जिससे आप अपने घर पे बैठ के फ़ोन के ज़रिए काम कर सको और उसके साथ साथ वो कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट हो, है ना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जो सेफ़ हो, सिक्योर हो और सब कर सके, कोई भी कर सके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो एंड मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा उस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के दम पे मैं दुबई घूम के आऊँ फ्री में, ठीक है, वो भी 5 दिन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज बर्फ़ में तूफान आने वाला है, आसमान बे लड़ने वाले हैं, वॉर होने वाला है वॉर निकोला के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हुजूर, हमने आपके हुक्म के मुताबिक चटाने रख दी हैं, मेरी इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई शुरू रखी जाए। जो हुक्म मेरे आका। भाई जान, बोलो मेरे भाई। अपनी जवानी में तुम भी इसकी तरह थे मेरे भाई, हमेशा बड़ों के साथ मुकाबला करते थे। मैंने ये जरूरतमंदी अपने भाइयों से ही सीखी। अपना ख्याल रखना। फिकर ना करें अम्मी जान, काफिरों को शिकस्त देकर खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिकर ना करो खातून, ये काई सरदार है, ये अपना मुकद्दर जिएगा। हमारे मुकद्दर में जहाद लिखा है ये तुम जानती हो। हमारे बेटे ने कलम की जगह तलवार के साथ जंग करने को मुंतखब किया है। इसकी आदत डाल लो। चलो बेटा। छोटे बच्चे जैसे ध्यान रखती है ना उसकी मम्मी उसका। देखना पूरा पूरा छोटे बच्चे जैसे एकदम। भायोजा, ऐसा सरदार है जो कई कबीले के लायक है। जब छोटा था तो मैं इसके साथ नहीं था। ये काफी अरसा मदरसे में इल्म हासिल करता रहा। अब ये एक हाथ में कल और दूसरे में तलवार था लेगा। काफी अरसा हम जुदा रहे, हमने एक दूसरे को याद किया। अब मैं इसे खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। दोनों भाइयों में भी सुलह होगी ना, इन दोनों में पहले सही नहीं था रिश्ते। बसवान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस जन्म में हिस्सा लेने की इजाजत दी मुझे। आपका शुक्रिया। मैं इस जंग में तुम्हें शामिल करने पर मजबूर था। अगर ये हम ना करते तो तुम हमारे पीछे आ जाते।
तुम हमारे पीछे आ जाते। बस, अपना सर उठाओ। सरदार कभी अपना सर नहीं चुकाता। हमारा मुस्तकबिल हो तुम बायोजा, बात जंग में शरीक होने की नहीं है, बल्कि सरदार का हुक्म ना मानने की। ऐसा भी नहीं होगा हुजूर। मेरे बहादुर बाबा और सरदार चचा के साथ जंग में लड़ने का मौका हासिल हुआ। अब शहीद भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं। ठीक है, अब सिपाहियों में वापस जाओ। हम बहुत सी जंगों में इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह भाई जान, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैंने तिल खा लिया था लेकिन दोबारा भूख लग रही है। तुम्हें दोबारा भूख लग रही है? कर रही थी, भूख नहीं लग रही। ये है क्या, ब्रेड है क्या? आओ। चलो उन्हें इत्तला देते हैं।
शुक्रिया बाला खातून, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। गुंजा, आखिर ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिससे तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? क्या सोच रही हूँ मैं बताओ? बुरान सिपाही उस्मान साहब के साथ जब वो वापस आएगा तो तब तुम दोनों की शादी होगी, क्या यह है तुम्हारे दिमाग में? तुम भी ना अल्लाह आपसे राजी हो। ये क्या है?